बोलो पीपाजी महाराज की। ये जो कथा मैं आपके सामने गा रहा हूं, ये जैसिया जी राव है जो शिकारपुरा लूनी में रहते हैं उनकी लिखी हुई ये रचना है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो सभी ज्ञानी ध्यानी मुनिजनों से मेरी प्रार्थना है कि इनका संशोधन करें। आप विघ्न विनाशन मंगल मूर्ति पार्वती सुत मंगलकारी पूजित सिद्ध मुनीश्वर से सुर नायक पातक पोतक हारी भक्त मनोरथ पूरब जो गज आनंद सुंदर अंबर धारी दिव्य गुणा कर ज्ञान प्रदायक वंदन हे पदी में सुखकारी। जो सुमरण जो गणेश जी महाराज का करता है, कभी लोग लिखते हैं जो सपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाले मंगल स्वरूप वाले सभी प्रकार के मंगल करने वाले सिद्ध वे मुनि जनों से पूजित देवताओं में अगमान पाप समुदाय को हरने वाले अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले गजबंधन सुंदर वस्त्र धारण करने वाले दिव्य गुणों से सागर ज्ञान प्रदान करने वाले जिनकी महिमा का कोई पार नहीं। सुध बुद्धि दो शारदा हृदय विराजो हमेश कर जोड़े विनती करूं पीपा आप प्रमेश कर जोड़े विनती करूं पीपा आप प्रमेश कर जोड़े में नमन करूं पीपा आप रे पाई शुद्ध बुद्ध दी जो ही सदा उगत दी जो आई दर्शन करिया दुख मिटे पाप कटे प्रत्यक्ष शंख चकर सुदर्शन पदम आप लाए प्रत्यक्ष अर्ज करंता आवी जो अर्ज करंता आवी जो थे समंदर गड़ी तू दौड़ी समंदर गड़ी तू दौड़ी पुत्र पुकारे प्रेम सिंह मुख मसली जो मोड़ पुत्र पुकारे प्रेम से मुख मतली जो जसु कहे कर जोड़ी ने कर जो कर जोड़ी ने जसु कहे करी जोड़ने पर सुत करी जो श्याई कर जोड़े रची ना करूं मैं कर जोड़े रची ना करूं मेरे करो मम्मा हरी मेरे करो मम्मा
रचना करूं मैरी करो मम्मा मारी हो मैरी करो मम्मा पी पापू के प्रेम रा पी पापू के प्रेम रा भरियो किए में बाप भरियो किए में बाप जसु कहे जस सांबलू बरसती सूगत सुजान जसु कहे जस सांबलू बरसती सूगत सुजान बरसती सूगत सुजान जी महाराज की कई कहवे सुध बुद्ध दी जो सारदा हृदय विराजो हमेश अरे कर जोड़े विनती करूं तू पीपा आप परमेश कर जोड़े नमन करूं पीपा आप रे पाई सुध बुद्ध दी जो ई सदा तो उगती दी जो आई दर्शन करियो दुख मिटे पाप कटे प्रत्यक्ष संक चक्र सुदर्शन पदम आप लाए प्रत्यक्ष अर्ज करता आप जो समुद्र गढ़ सु दौड़ पुत्र पुकारे प्रेम सु तो मुख मत लीजो मोड़ जसु कहे कर जोड़ ने सुरसुत कर जो श्याई अरे कोड़ कर रचना करूं तो मेहर करो मम्माई पीपा पुज्जे प्रेमरा भरियो या में भाव जसु कहे जस सांबलो तो सुरसुत उक्त सुजा गढ़ गगरान राजधानी परी विख्यात कड़वा राव था अरे प्रजापालक संतजनों पर ज्ञानवान धर्म महान था। क्या लिखते हैं गढ़ गगराने राजधानी पर विख्यात कड़वा रा जिन गगराना नरेश तो देखिए माधव भूप प्रकाश पराक्रमी वन पराक्रम तेज खुशी मन गाते ओ पराक्रम तेज खुशी मन गाते पारी करी नपुं जे धन अंबरी भूपति का जस गुण सुनाते ओ पारी करी के नृत्य धन अंबर भूपति का जे बोल सुनाते याचक वृद्धि सभी उनसे धन अरे पा करके मन में हरसाते पा करके मन में हरसाते पा करी वंचित वस्तु अनेक मई पत्ते घरी के ले जाते पा करी वंचित वस्तु अनेक मई पत्ते घरी से करी जाते जी महाराज की राजाओं की वरद व्याख्यान करने वाले राव
उनके पास आकर वंश परंपरा कीर्ति का गान करते, राव मांगत कड़वा राव से वस्त्र धन पाकर जय जयकार करते, अलग अलग इच्छा रखने वाले याचक इच्छित धन पाकर खुशी होते थे। राजा ऐसा धर्मवान बुद्धिमान वीरमान और ऐसा संतों की सेवा करने वाले बड़ा ही पराक्रमी राजा थे। तो देखिए उनके औलाद नहीं थी। अब कवि लिखता है, कड़वा राव ने कूड करी देवल चुनायो दीप दीप, पूजा करे वे प्रेम सूत मात ममाय महीप। कहीं के भाई कड़वा राव ने कोड कर देवल चुनायो दीप, पूजा करे वे प्रेम सूत मात ममाय महीप। कड़वा राव प्रसन्न होकर मात ममाई का भव्य मंदिर बनाया, एक पुत्र हुई माँ की कृपा से, उनकी पूजा करने लगी। अब मेहरबानी माँ की देखो, भगवान कहता है कि मैं भक्त का कर्ज मेरे सर पे नहीं रखता हूँ। तो वो तो जगत जननी माँ थी, वो माँ क्या वर देती है कड़वा राव को और क्या आगे होता देखिए। मेरी करी ममाई पूरी आशा पूरी आशा पूरी आशा पूरा, मेरी करी ममाई पूरी आशा आशा जी पूरा, सुत दियो सुधी जान कड़ीवार अपने बिरा कूद कर दियो सुबियान कड़ीवान अपने बिरा छोड़ कर। बोलो विभो जी महाराज की, ममाई माता कड़वा रावरी इच्छा पूर्ण कर और आशा पूरा मां प्रसन्न हो और पुत्र दियो एक कड़वा राव ने। अब देखो आगे क्या होता है। हरसु दिन व्यतीत करने लगे, क्यों पुत्र को देख के माँ की ममता ऐसी प्यारी होती है, माता और पिता के दोनों के आत्मा में हर्ष और उल्लास से एक सागर की तरह छल उठी ममता। तो देखिए अब पीपो जी महाराज का जन्म कब होता है, कौन सी समस्त में होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। समत 1380 समत 1380 सुत भूमि सुबियान समत 1380 सुत भूमि सुबियान, कमर भयो कड़ी बात रे रे कमर भयो कड़ी बात रे, पंडित जो जी पुराण पंडित जो जी पुराण।
समत 1380 सुत भूमि सुबियान, सुत भूमि सुबियान, एक कमर भायो कड़वे सिरे पंडित जो ही पुराण, कमर भायो कड़वे गे सरे पंडित जो ही पुराण। बोलो पीपाजी महाराज की। पीपोजी महाराज रो जन्म कदुयो समत 1380 समत 1380 सुत भूमि सुभियान, अरे कमर भयो कड़वेश रे तो पंडित जोई पुराण। पंडित रोग अपने ज्योतिष देखने लगे और देखकर कहीं बतावे देखो चैत्र पूर्णिमा मास योग है, चैत्र पूर्णिमा संयोग है, स्वाति नक्षत्र शुभ योग, घर घर मंगला चार के आनंद भये सब लोग। पूर्णिमा संयोग है, स्वाति नक्षत्र शुभ योग, घर घर मंगला चार है, आनंद भयो सब लोग, आनंद भये सब लोग, आनंद भये सब लोग। बोलो पीपाजी महाराज की। आप के कहो स्वाति नक्षत्र पूर्णिमा के शुभ योग में जन्मा हुआ और घर घर में खुशियां उत्सव मनाने लगे। अब ऐसे नक्षत्रों में जो पुत्र जन्मता है या तो बलशाली विद्वान, एक कवि लिखता है जननी जने तो ऐसा जनी के दाता के सूर, नहीं तर रे जे बांजड़ी मती घमाजे नूर, तो ये बेड़ा पुल और नक्षत्र का विशेष रूप से बलवान या बलशाली धन्यवान दानवान ऐसे पुत्र जन्मते हैं ऐसे नक्षत्रों में। पंडित जोई पुराण ने नाम दियो पीपे जी, पंडित जोई पुराण ने नाम दियो पीपे जोई पुराण ने नाम दियो पैसी जी, कड़वा रावरे कमर, कड़वा रावरे कमर भाईड़ा अविचल रखे खमेश जी, कड़वा रावरे कमर भया अविचल रे खमेश जी, कड़वा रावरे पुत्री आया। जी महाराज की कहीं कहवे पंडित जोई पुराण ने नाम दियो पीपेश, कड़वा रावरे कुंवर रा, अवचल रहे हमें। सबों की प्रार्थना यही रहे के हे भगवान इनको अविचल रखे। पंडित ज्योतिषी देख पीपा राव राम नाम दियो है और शुभ आशीर्वाद दी है। अब पीपो जी महाराज कहीं तो पालनिया रे मैं झूले हैं और कई बात बनावे बने देखो।
पीपा पोड़े पालने हलरियों फुलिराई पीपा पोड़े पालने हलरियों फुलिराई नित सुनावे गीत सुनावे गोरिया गीत सुनावे गोरिया संकलाप मूत्र सुलाई संकलाप मूत्र सुलाई पीपा पोड़े पालने हलरियो फुलराई गीत सुनावे गोरिया संकलाप मूत्र सुलाई संकलाप मूत्र सुलाई संकलाप मूत्र सुलाई। बोलो पीपा जी महाराज की पीपा राव कॉलर में पौड़े हुए उनकी माता संकला रानी अपने पुत्र को सुला रही है और गांव की सभी नारियां पीपा राव को कोड़ कर लोरियां गावे गीत गागान सुलावे ऐसी घर घर खुशियां छाई आनंद मंगलाचार छाए और कहीं के वे देखो हालरियों फुल राव तीरे जननी के तीजो हालरियो फुल राव ती जननी कहती जो प्रभु मोने जननी कहती जो अरे हुए अरे तुए उजाले जी किरा मती लजाजे मोई ए तुए उजाले जी किरा तू मती लजाजे ओ मती लजाजे जननी कहती जो विजय जननी कहती जो वजे ओ बिरमर जननी कहती रे जननी कहती जो वजे कालो लगे ना कोई बेटा मारा कालो लगे ना कोई अरे डीजे सी तू बे सहिती मती लजाजे मोई ओ डीजे सी तू बे सहिती रे मती लजाजे जाजे मोई बेटा मारा ओ डिकरा मती रे लजाजे मोई बेटा मारा मती रे लजाजे मोई जननी कहती जो बजे ए
मेरे कालो न लागे कोई नाना मारा कालो न लागे कोई डीजे सिर तू देस हिरे मती लजा दे ओ डीजे सिर तू देस हिरे मती लजा दे बोलो शिवाजी महाराज की कहीं कहे आलवियो उलरावती जननी कहती जोई माँ कहे आलवियो इंडो देवे और कहे आलवियो उलरावती जननी कहती जोई अरे दूह जाले डीखरा मथी लजाजे मूल ए बेटा इस देखे दाग नहीं लगना चाहिए जननी कहती जोबजे कालो लगे ना कोई अरे दीजे सिर तू शीश हित देसरे वास्ते दीजे सिर तू देश हित तो मथी लजाजे मोल इन देसरे वास्ते प्राण भी त्यागनो परे तो देना। पिंपो जी महाराज बालक थे बचपना था जब पिंपो जी ने ये ज्ञान हो गया। अब पिंपो जी थोड़े से बड़े हुए तो बचपना एक ऐसा होता है दड़ियां खेले जी करो दड़ियां खेले जी करो खेले जी करो दड़ियां खेले जी करो बाजे छम छम बाजे कड़वा न परे कमरे रो अब चल रही जो राज अब चल रही जो राज कहीं के भाई दड़ियां खेले डी करो बाजे छम छम बाज बाज अरे कड़वा न परे कमरे रो अब चल रही जो राज। पांच छह वर्ष में छोटे से पीपा राव पैरों में घुघरू बंधे हुए और सजधज छम छम की आवाज आई दड़ियों खेलते बड़े ही शोभा नजर दे आ रहे थे शोभा में नजर आ रहे थे और देखिए उनकी लंबी आयु के लिए सभी शुभ कामना करते ग्रामवासी ब्राह्मण ऋषि मुनि क्या देशवासी क्या। तो देखिए अब क्या होता है छे बरस में सुत भया गगराने गड़ी रे धाम जी छे बरस में सुत भया छे बरस में सुत भया गगराने कटी रे धाम जी पड़वा दारू पुस्तका गुरुकुल भेजे धाम जी पड़वा दारू पुस्तका गुरुकुल भेजे धाम जी जी महाराज की छह वर्ष में सुत भया गगरान गडरे धाम पड़वा सारू पुस्तका गुरुकुल भेजे धाम। देखिए पीपा राव छह वर्ष में विद्या ग्रहण करने सारू अपने गुरुदेव के गुरुकुल में भेज दिया और क्या लिखते हैं देखिए बोलो पीपा जी महाराज की। अब देखिए पिंपो जी महाराज वहां से रवाने होते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरुधाम पहुंचते हैं। देखिए
कवि क्या लिखते हैं? शिक्षा पावन चाव सुन पीपा की नो प्रवेश, शिक्षा पावन चाम सुन पीपा की नो प्रवेश, गुरु चरणा वंदन करे पीपा पूटी हमें। पीपा उठ प्रभातिका, पीपा उठ प्रभातिका रे साप करे सुल्तान बीरा महारा, साप करे अस्तान बीरा महारा, साप करे सुल्तान ज्ञान ज्ञान देवरो मन सुरागे मान, ओ ज्ञान ज्ञान देवरो मन सुरागे मान। पावन चाव सु पीपा कीनो प्रवेश, गुरु चरणा वंदन करे तो पीपा ऊट हमेश, पीपा ऊट प्रभातरा साप करे स्थान हरि श्याम सिनान ध्यान गुरुदेव रो मन सु राखे मान। सुतान स्थान साफ करके गुरु महाराज के प्रति लिगन लगा के पीपो जी महाराज शिक्षा लेवन सारू अपने गुरु आश्रम में रहने लगे और सुबह स्नान ध्यान और अपना भगवान गुरुदेव को प्रणाम करना यही कार्य अपना नित्य कर्म बना लिया और करने लगे। तो देखिए गुरु की सेवा सबसे बढ़कर होती है, गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं है। वहां भगवान ही थक जाते हैं। कवि लिखता है गुरु गोविंद को हूँ खड़े किन के लागू पाई, बलिहारी गुरुदेव की तो गोविंद दियो मिलाए। पहले गुरु आता पाई सिकिसा प्रेम सुन गुरु सिकायो ज्ञान, आज्ञा दिनी उमंग सुन आप दिला मोइता, पाई सीखा प्रेम सुन गुरु सिकायो ज्ञान, आज्ञा दिनी उमंग सुन आप दिला मोइता।
राजी होई तू दे मने आशीष दीवी दे अपार परिवारावत में सुतन होई अनधन होई अपार राजी होई तू दे मने आशीष दीवी दे अपार कड़ीवारा बरे सुतन ने अनधन होई अपार जिरा अनधन होई अपार अनधन होई अपार। बोलो पीपा जी महाराज की कहीं के वे पाई शिक्षा प्रेम सु गुरु सिखायो ज्ञान अज्ञा दीनी उमंग सु आप सिदाओ ध्यान आप रे वापिस शिक्षा आपकी पूर्ण हुई और आप वापिस सिदाओ राजी होई गुरुदेव ने आशीष दीवी अपार कड़वा राग दे सुतन दे तो अंधन हो या पार। अब पीपा जी राव को खूब प्रसन्न हुए अंधन से परिपूर्ण आशीष दे दी गुरु महाराज और वहां से विदा किया। तो देखिए क्या होता है जब शिक्षा ग्रहण करके शिष्य अपने घर की तरफ लौटता है तो उनके मन में कितने उमंग और कितनी खुशियां छाई रहती हैं वो आप देखिए कवि की कल्पना है। लांजी सरिता आऊ सिंधु ओरिला ज्ञापन राय प्रभु मोरे ओरिला ज्ञापन राय परिवर्ती ला गया ओ खलारे पीपा मन सरसाई ओ पर्वत ला गया ओ खलारे पीपा मन सरसाई सरिता आउ सिंध की सिंध की नांगी सरिता अब सिंधु और लांजा रही बनरा पर्वत लांजा मुखना रे पीपा मन सरिता ओ भाई पर्वत लांजा मुखना पीपा मन सरिता बोलो पीपा जी महाराज की। पीपो जी महाराज गुरुकुल को विदा हो आहू नदी वे सिंधु नदियां और पर्वत राय मनो से पार पार अपनी राजधानी गागरों आए। अगर मैंने गलती से कहीं गगराना बोल दिया तो मैं क्षमा चाहता हूँ सभी सजनों से। सही नाम है गागरोनगढ़ जो पीपा जी की राजधानी थी। अब देखिए आगे सुनो ओ मैं घना बदाम ना दाढ़ी ढोल बजाए होवे घना बदावना दाढ़ी ढोल बजाए राजा रानी राजी होवे प्रजा आनंद थाई। बोलो पीपो जी महाराज की। पीपो जी महाराज अपने गढ़ गागरों आए तब दाढ़ी गाजों बाजों से पूरे नगरवासी और राजा रानी के खुशियों से झूम उठे और खुश हुए। तब देखिए ओ
रूपा न भेजे पावी मात दीपा नि भेज पावी मात ताती भोरी गुरुजन अरे ताती अरु गुरुजन शुभ आशीषा माई शोभा धारी पाय शोभा हरी रूप जन बोलो पीपा जी महाराज की पीपा निवजे पाव मात माता पिता सितारे पैरों पड़े और गुरु जन महाराज अपने गुरु माता पिता को प्रणाम कर उन्हीं को आशीर्वाद ली अपने कुल देवी का स्मरण किया। तो देखिए आगे क्या होता है। अरे राजी मन राजा और रानी मन सुखियो बिचारी रे राजी मन राजा और रानी मन सुखियो बिचारी रे गादी बेटा मो पीपा तेरे गादी बेटा मो पीपा ने प्रजा समालन भारी जी गादी बेटा वो पाने शासन थो को सुतन ने कड़पा नृपी कहन रे शासन थो को सुतन ने कड़वा नृपी कहन रे राजसत्ता व्यागी रहा सुख सुन रहे निचंत रे राजसत्ता यागी रहा राजसत्ता भाई त्याग रहा सुख सुन रहे निचंत रे राजसत्ता भाई त्याग रहा सुख सुन रहे निचंत जी सता सभी याद रहा ओ सुख सुर है शासन को कड़पान शासन को महाराज की कहीं के देखो राजा रानी मन सु विचार कर अपने पुत्र को गादी पर बैठाना का निश्चय किया और अपने प्रजा का भार अपने पुत्र को राज सता सौंप कर अलग जाकर भक्ति करने का निश्चय किया। बोले भाई बेटा बड़ा हो गया है राजगादी के लायक है अपन राजा और रानी दोनों कहीं जंगल में चले गए और भक्ति करेंगे। होता क्या है गड़ गगरो नरे को गिड़े
अरे डाडी ढोल बजाए मेरे भैया डाडी ढोल बजाए डाडी ढोल बजाए कड़पा नपरे कमर मेरे काती दियो बजाए कड़पा नपरे कमर मेरे काती दियो बजाए सूपी गादी रे ओ मेरे भैया सूपी गादी रे हई मरा सूपी गादी रे सूपी गादी चाव सूरे विधि विधि करे बखान अरे भाई विधि विधि करे बखानी छत्र मुगटी ओनो घनोरे पीपा नरसी मारा ओ छत्री मुगटी ओने तनोरे पीपा नरसी मारा गढ़ गगरा ने गोखड़े डाढ़ी ढोल बजाई कड़वा नरपे कमर ने गादी दियो बैठाई सूपी गादी चाव सू विध विध करे बखान छत्र मुक्त सोने तना तो पीपा नरप महारा सेवा कर जो चाव सू प्रजा हित पुकार अब की पुल में दे देसरी लड़जो भल ललकार अगर देश में अब की पड़ जावे तो सर कटा देना पीपा वापिस पैर मत रखना मर्द का बच्चा आगे पैर रखता है पीछे नहीं हटता है जब तक सर नहीं कट सकता तो ये सर झुक भी नहीं सकता तो देखिए अब पीपा राव महाराणा ने वेशभूषा में बड़ी सौभाग्यमान हो रहे हैं पीपा राव के पिता कड़वा राव अपना फर्ज पूरा कर अपने पुत्र को मार्गदर्शन करवा रहे हैं कि हे पुत्र कोई समय अपने देश पर संकट आ जाए तो अपने प्राणों की अवती अपने प्राणों की बलि देके फर्ज पूरा करना और प्रजा की भलाई का कार्य करना यही हमारी आशीष है। अब देखिए ब्राह्मण याचक बुद्धि जन सत्पणी करी ने रुपिया मोरा रोकड़ा गजपुरिया सकला सत्पणी करी ने रुपिया मोहरा रोकड़ा गजतुरिया सतला गजतुरिया सतला
मन सिन पे की को बगसायो कोड़ी कवि चालक रानी पे तत्पण तीनो जाम सू जाम सू तत्पण तीनो जाम चालक मंत्र पे को बगसायो कोड़ी कर चालक रानी कुरिया पीली तीन सौ पुरिया बीबी तीन सौ आठ गजन भी रती और टीका दीना सोनेरा अठारह सैंती एक मोर टीका दीना बोलो पिपा जी महाराज की ब्राह्मण याचक बुद्धि जना सर्पण करने आई रुपया मरा रोकड़ा गज दुनिया रत लाई सरपण कीनो चाव सुचालक वंश नरपेश टीको बक्सायो कोड कर सुचालक रानी सीते सुपजी रानी रो नाम हो सीते तुरिया दीवी तीन सौ आठ गजब रथ और अरे सिक्का दीना सोनेरा अठारह सैंस एक मोर अब देखिए 300 मोरों घोड़ा घोड़ियों आठ हाथी एक रथ 18,000 सोनेरा सिक्का एक मोर आज रेसो आप स्वीकार करो पीपो जी महाराज रे सामने लान रखिया उन पर सीता सोलंकनी का विवाह हुआ है विवाह के बाजी बजने लगे अरने पीपाजी महाराज के विवाह की तैयारियां शुरू और फिर गागरौनगढ़ से बारात रवाने होती है और इकटंगिये बाजे बजने लगते हैं राजा राणा संग चले भाई राजा राणा संग चले अरे माजन 20,000 ओ मेरे भाई माजन 20,000 जान जाई गोरवे खलमली मची बाजार जान जाई गोरवे खलबल मची बाजार राजा राणा संग की चले में चल
राजा राणा संग में चले भाई माजल 20,000 जान जियाई और वेरे खलबल मची बजार वो भाई जान जियाई और में खलबल मची बजार बोलो बीबाजी महाराज की कहीं कहे राजा राणा संग चले माजन 20,000 जान जाई गोरवे तो खलबल मची बाजार बाजार में खलबल मच गई क्यों कोई तूफान मेल आवे जड़ा बाराती एकन सरीसा आदमी ऊंचिया ओटा भट्ट रण खेतों में जूंद सी जद माचे गगड़े कमलदार के हो क्यों एरा एरा जानी हरदार हाथे माजन हाथे रथ घोड़ा पालकियों अब देखो पणियारिया दरियाव पर वात कई मुने पार पणियारिया दरियाव पर बात कही उन्हें बार आज मुसाफिरी आदिया अली बलिया अखबार आज मुसाफिरी आदिया अलबलिया अखबार आई मारा अलबलिया अखबार दासियां उबी देखने दासियां उबी देखने सहेलियां बात सुनाएगी दासियां उबी देखने सहेलियां बात सुनाएगी पीपा आया परने बार लाख बधाई आया परने दीपा आया परनिवान ये भाई सीता कठेरे सखेलिया सुनो बाती कहूं सारती सीता कहे सखेलिया सुनो बाती कहूं सारी रुपया मोरा टोकड़ा या परी लो आरती हने पिया मोरा मोकड़ा अरे बुढ़ा परी लो